हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज टिप्स। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। वैसे तो छिपकलियाँ हर मौसम में दिखाई देती हैं, पर गर्मी और बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही दिखती हैं। बारिश में कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं, तो उन्हें खाने के लिए ये लाइट के आसपास ज़्यादा दिखाई देती हैं। पर यही छिपकलियाँ जब घर के अंदर किचन में आ जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। इन्हें देखकर बच्चे तो डरते ही हैं, बड़ों को भी डर लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर पड़ें। किचन में छिपकली देखकर डर लगा रहता है कि कहीं ये खाने पीने की चीज़ों में ना चली जाएं, और यदि इन्हें जल्दी ही घर से बाहर न भगाया जाए तो ये अपने अंडे बच्चे देकर बहुत जल्दी ही अपना कुनबा बढ़ा लेती हैं और फिर हमें घर में बहुत सारे छोटे छोटे छिपकली के बच्चे दिखाई देने लगते हैं। वैसे तो बाज़ार में छिपकली मारने के बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, पर वो इतने विषैले होते हैं कि उन्हें घर में रखने और यूज़ करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। इसके अलावा लोग बताते हैं कि लहसुन प्याज से छिपकली भगाएं, काली मिर्च से छिपकली भगाएं, मिट्टी का तेल या फिर डिटॉल से छिपकली भगाएं। मैंने ये सारे तरीके अप्लाई करके देख लिए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा इनके दाग दीवारों पर पड़ गए और पूरे घर में इनकी स्मेल फैल गई। तो आज मैं खुद का आजमाया हुआ एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसमें ना तो आपका एक भी पैसा खर्च होगा और ना ही घर में किसी तरह की कोई स्मेल फैलेगी, और जिसके प्रयोग से या तो छिपकली घर से बाहर भाग जाएगी या फिर मर जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की कोई बॉटल लेंगे। ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, पर इसके मुंह का साइज़ इतना ही होना चाहिए। अब हम इस तरह का एक स्प्रे पंप लेंगे, ये किसी भी पेड़ पौधों की शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आप इस तरह की कॉलिन की बॉटल या फिर कोई और स्प्रे बॉटल भी ले सकते हैं। अब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे। हमें सिर्फ पानी ही गर्म करना है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। पानी हम उतना ही गर्म करेंगे जितने गर्म में हम उंगली डाल सकें। पानी गर्म हो गया है, अब इसे इस बॉटल में भर लेंगे। ये बॉटल प्लास्टिक की है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालेंगे, वरना ये बॉटल पिघल जाएगी। अब इस पर ये स्प्रे मशीन लगा देते हैं। तो ये हमारा छिपकली भगाने का हथियार तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो अगर आपके पास कोई स्टील की स्प्रे बॉटल हो तो आप पानी ज़्यादा तेज़ गर्म कर लें। छिपकलियाँ ज़्यादातर ट्यूबलाइट के आसपास, ट्यूबलाइट होल्डर में ये जो होल होते हैं उनमें, गैस के नीचे, ओवन के पीछे, एक्वागार्ड के पीछे या फिर किचन के सिंक के नीचे दिखाई देती हैं। इसके अलावा बर्तन धोने की जगह पर रात में जब लाइट बंद होती है तब जूठन खाने के लिए छिपकलियाँ आती हैं। तो अब जहाँ कहीं भी आपको छिपकली दिखे उस पर ये गर्म पानी स्प्रे कर दें। गर्म पानी छिपकली की स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। गर्म पानी पड़ते ही छिपकली बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ भागेगी और इतना डर जाएगी कि फिर कभी घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगी। और यदि बहुत ज़्यादा गर्म पानी छिपकली के ऊपर पड़ गया तब तो फिर उसका राम नाम सत्य ही समझो। अब आप सोचेंगे कि यदि छिपकली ज़्यादा ऊंचाई पर दीवारों पर हो तो उस पर स्प्रे कैसे करें? तो उसके लिए आप होली पर इस्तेमाल में आने वाली इस तरह की पिचकारी का यूज़ कर सकते हैं जिसकी धार बहुत दूर तक जाती हो। तो अगर आपको छिपकली भगाने का ये तरीका ठीक लगे तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
इसके अलावा मुझे कमेंट करके भी बताएं कि छिपकली भगाने के लिए आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।